अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुबह बखैर, कैसे हैं सब? जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? कैसा रहा कल का दिन आपका? आप में से किस किसने बिडिंग की है? कल रात को मैं भी ऑनलाइन था बिडिंग के हवाले से। आपने किस किसने मेरे साथ बिडिंग की है, और क्या किसी को रिस्पांस आया क्लाइंट की तरफ से कि नहीं आया? जी किसी का कोई लास्ट लेक्चर में से, पास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन क्यूरी? जैसे आप ऑनलाइन आए, काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क करें। मैं यहाँ पर एडिट भी कर देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, कल हम अरेज पढ़ रहे थे। अरेज को लेके हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अरेज को स्टार्ट करेंगे, उसके साथ हम पीएचपी के फंक्शंस और क्लासेस को देखेंगे कि पीएचपी में फंक्शंस और क्लासेस कैसे काम कर रही होती है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी तो काइंडली मुझे बताएं, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी आपका हो। एनी वन ऑफ यू किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली मुझे बताएं। पीएचपी फिडल ओपन करता हूं .org। वालेकुम सलाम ईमान शमीम, कैसी हैं आप? ईमान कल आप आई थी, आप उसके बाद गायब हो गए। अभी भी जो आप में से लाइव आना चाहता है, काइंडली आप लाइव आ रहे हैं, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। ईमान क्या है? ईमान कैसी हैं आप, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कल बीटिंग की आपने कि नहीं? आप बताई थी इंटरनेट तो आपका नहीं ठीक, तो इसलिए आप मूव कर गई थी। ये मैंने जैम को ऑन किया, ठीक है, मैंने इसकी अपाची और MySQL स्टार्ट किया, क्योंकि आज मैंने पीएचपी पे काम करना है, इसलिए ये दोनों मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। लोकल और स्लैश
बैच 10। बैच 10 पीएचपी फॉर्म, क्योंकि ये हमारा कल का काम है। मैंने कहा था कि एरर कैसे रिमूव होगा, मैं इधर आया हूँ तो ये एरर रिमूव कैसे होगा, एनी वन ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं रबी शाली सत्री मैं सिंधी अमली मुल्लों का तो मिल लिसानी अफगाव कावली। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, सी जैम एस जी डॉक बैच 10 है जी। पीएचपी अरे हम कर रहे थे कल, जो हमारा स्टार्ट था वो पीएचपी अरे से हम काम कर रहे थे। यहाँ पर इसका सबनेम टेक्स्ट नहीं शो हो रहा, ठीक है मेरे पास आ गई कल वाली फाइल आ गई। ये हमने काम किया था, हमने अरे ली थी, आपको याद होगा हमने अरे जो ली थी वो किस तरह हमने ली थी, अरे हमने यूजर नेम लिया था की वैल्यू पेयर्स की हमने अरे ली थी कल। इस हवाले से कोई आपका कोई भी क्वेश्चन भी क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझसे जो लाइव आना चाहते हैं वो इस क्लिक के थ्रू लाइव आ सकते हैं। अच्छा जी मैं आगे चलता हूँ, अरे की बात हो रही थी कि हमने अरे लेनी है, हमने अरे को वैल्यू कैसे साइन करनी है। इसके ऊपर जो हमारी जो बात हो रही थी उसके हवाले से हमने कहा था कि हम अरे लेके एक तो ये है कि अरे को हम इस तरह वैल्यू साइन करते हैं, दूसरा ये होता है कि अरे की हमने की के ऊपर वैल्यू साइन कर दी। एक न्यू की मैंने जनरेट की, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। एक होता है कि अरे मैंने डिक्लेयर की उसी वक्त ऑन द स्पॉट मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब जो तीसरा वे जो अगर ये दो वेज है जिस तरह हम वैल्यू साइन करते हैं, ये था कि अगर हम की वैल्यू पेयर कर रहे हो, ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरी अरे ले रहा हूँ, क्या कहता हूँ कोड में अरे लेता हूँ, ये तो की वैल्यू पेयर अरे है ना, मैं यहाँ पर अरे लिखता हूँ AR। अब ये जो अरे है इसमें सिर्फ सिंपल मैंने वैल्यू दे दे जाना है, इंटीजर ले सकता हूँ कोई भी ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई ए आर, ठीक है माई अरे हो गया। तो जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड न्यू जस्ट स्टार्ट, ये मैंने एक स्ट्रिंग मैंने ले ली और मैंने इसके वेरिएबल पे एक मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, इसको करवा लेता हूँ मैं माई करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं चाहे कमेंट कर दूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ। पीएचपी अरेज वाला फोल्डर है पीएचपी, ये मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसने मुझे अरेज दे दी। अब ये जो ये इंडेक्स वाली है दूसरी जो की वैल्यू पेयर थी, अब इसके अंदर अगर मैंने वैल्यू साइन करनी है, क्योंकि अगर मैंने इसमें वैल्यू साइन करनी है इसके दो वेज है। एक ये है कि लेट मी शो यू कि अभी क्या कोड लिखा हुआ है, पहले ये मैं कोड कॉपी करता हूँ, ये कोड लिखा हुआ है एक है। अब मैं अगर इसको वैल्यू देना चाहता हूँ, एक इस तरह मैं वैल्यू दूंगा न्यू वैल्यू, मैं ये देता हूँ और उसके बाद मैं रन करता हूँ क्या होता है। टेबल का नाम उसके साथ अरे का जो साइन होता है वो ऐड किया इक्वल टू उसको वैल्यू साइन कर दी। ये मैं एक और नई वैल्यू इसमें ऐड कर रहा हूँ, लेट मी गो हियर, ठीक है। उसने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका जो नेक्स्ट
स्पेस है जो इसका नेक्स्ट इंडेक्स है वो 4 है, इसलिए वो उसको 4 के पास एंड कर रहा है। अगर मैं दूसरा वे एक ये वे फाइव इंडेक्स एक वे था कि हम इंडेक्स से बिना बता रहे हैं, ठीक है, तो उसने खुद ज्यूम किया कि भी जो इंडेक्स आएगा वो 4 आएगा, ठीक है, तो उसने इसको वैल्यू साइन कर दी। अब मैंने खुद इंडेक्स बता दी कि 5 के ऊपर जाके ये वैल्यू साइन कर दो, ये 5 के ऊपर वैल्यू साइन 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स 5 इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स 5 के ऊपर जाके न्यू वैल्यू एक असाइन हो रही है। इसको मैं जो वैल्यू चेंज कर लेता हूं, जो वैल्यू कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई हो दोनों वैल्यू चेंज से डिफरेंट हो, ठीक हो गया। यहां तक ये क्लियर हो गया कि अरेज हमारी किस तरह काम कर रही है। हम यहां पर दोबारा चलते आगे। अच्छा जी, द सेकंड हाफ असाइन एसोसिएट, ओके ये हमारा हो गया द फोर इज टू पैस। कल मैंने बात की है कि जब हम यूज कर रहे थे की वैल्यू पेयर को यूज कर रहे होते हैं या वैसे अरे ले रहे होते हैं तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फोर इच लूप को भी प्रिंट करवाने के लिए। हम अरे को प्रिंट करवाने के लिए फोर इच लूप भी यूज कर सकते हैं। कल हमने की भी थी, आज फिर मैं दोबारा यूज करता हूँ फोर इच। हो गया, हमने जो कल किया था इको करवाया था, कैसे करवाया था, हमने की दिया था उसके साथ हमने वैल्यू दे दिया था, की वैल्यू पे था की आ गया। वैल्यू ऑफ ऑफ नहीं होगा, वैल्यू इज होगा, कंकैटिनेट कर दिया हमने दोनों तरफ, हमने कंकैटिनेट करवाना है। मैं इसको लिख के आपके साथ चेक कर देता हूं, ये हो गया, ताकि आपको क्लीन शो हो मैं इसको कॉपी करता हूं यहां पर ले आता हूं, ठीक है, फॉर ईच लूप में लिखा, ठीक है, ये जो माई ये अरे आ गया, ये नाम आ गया माई आर का माई एआर का, यहाँ पर आ गया एज अ की से लिया, एज अ वैल्यू लिया, ठीक है, इसने इसको प्रिंट करवाना शुरू कर दिया ईच की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर की शो करवा रहा है कि किस की वैल्यू क्या आ रही है। मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, वो इसके साथ बी आर का टैग ऐड कर देते हैं ताकि वो क्लीन शो हमें, ये देखिए अब ये जीरो वैल्यू इस ये इंडेक्स की आ रही है, ये जीरो इंडेक्स वैल्यू इज हेलो, ठीक है, वन इंडेक्स वैल्यू इज वर्ल्ड, सेकंड इंडेक्स वैल्यू इज जस्ट, ठीक है, थर्ड इंडेक्स वैल्यू इज स्टार्ट, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू इज न्यू वैल्यू, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू इज वैल्यू, ठीक है, ये दिस वे हमारा ये प्रिंट हो रहा है। अच्छा एक दूसरा भी जो अभी उसमें हमने प्रिंट तो कर लिया, हमने किसकी तरह किया फोर इच लूप की तरह किए। अब यहाँ पर ये भी है कि हम पेपर एज आइटम ले, अगर हम सिर्फ ये यूज करते हैं कीज यूज कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पर कंकैटिनेट करता हूँ इसको, मैं प्रिंट करवाता हूँ, अब सिर्फ वो वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, अब वो सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, पहले इंडेक्स भी था, अगर की वैल्यू पेयर के थ्रू भी मैं जा सकता हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स के थ्रू भी जा सकता हूँ, ठीक है, दोनों हमारे पास ऑप्शन होती है, हमें जो फिजिबल लगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे हम इसे यूज कर रहे हैं। अच्छा इसके साथ अगर मैं इंडेक्स को यूज कर रहा हूँ इसके साथ फोर लूप भी यूज हो रही होती है, अगर मैं इंडेक्स वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है, फोर लूप जो कल मैंने बताया था इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जीरो, एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट जो इसका होगा इंडेक्स यानी कि जो कंप्लीट खत्म होगा,
अरे का जो कंप्लीट खत्म होगा, मैं इसको यहां पर लेके आता हूँ। ये हमारी लूप है, अब लूप है इसमें जीरो दिया, ठीक है। इसे मैं इसको मैं जो अगर देना है मैं लेसन 5 दूंगा तो ये मेरा काम उसी तरह करेगा जिस तरह वो काम कर रहे हैं मेरा। ये कैसे करेगा, मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, ये इंडेक्स हो गया, इंडेक्स वैल्यू इज, ठीक है यहाँ पर आया। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये जो अरे आ रही है मैं इसको कॉपी करूंगा। यहाँ पर मैंने अरे को कॉपी किया, इसके अंदर जो आई का इंडेक्स है वो मैं ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने कल वो रन किया था ड्राई रन, ये सेम वही काम मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल ड्राई रन किया था, ठीक है, उसी तरह मैं ये काम कर रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट किया नहीं हुआ, नहीं, इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से। लेस देन हम चेक कर लेते हैं क्योंकि उसके जो इंडेक्स है वो 5 है, ठीक है। लेस देन मैंने चेक किया, यार मैं यहाँ भी करवा देता हूँ वेट। अब मैंने एक को क्या हुआ, फोर इच लूप है, दूसरी मेरी फोर लूप है, इनके दोनों से मैंने सेम काम करवाया हुआ है। लेट मी डू दिस, ये देखें, पहले जो है वो फोर इच का आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फोर लूप का सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। पहले फोर इच का आ रहा है, इसका दूसरे का सेम रिजल्ट आ रहा है। जो फोर इच लूप पे हमारी जो यूज हो रही होती है वो मोस्ट जो ज्यादा उसका जो काम होता है, जो वर्किंग होती है वो होती कहाँ पर है, वो होती है हमारी जब अगर हमने एसोसिएट अरे ली हो, की वैल्यू पे ली हो, तो वहां पर ज्यादा हमारी वर्किंग हो रही होती है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आर्ट इमरान, कैसे हैं आप? मैं वापिस चलता हूँ, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन पीएचपी इनकाउंटर फॉर ईच फॉर ईच स्टेटमेंट इट टेक्स द फर्स्ट आइटम ऑफ द अरे एंड प्लेस इट इन वेरिएबल फॉलोइंग द कीवर्ड, ठीक है, एंड ईच टाइम कंट्रोल फ्लो रिटर्न्स टू द फॉर ईच द नेक्स्ट अरे एलिमेंट इज प्लेस इन दैश कीवर्ड, इन दिस केस द वेरिएबल आइटम इज सेट टू ईच ऑफ द फोर वैल्यू इन रिटर्न इन द अरे पेपर। अच्छा, वो एग्जांपल दे रहा है कि जब वो फोर ईच लूप चल रहे होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट एलिमेंट को एज अ अरे लेती है, एज अ वैल्यू कीवर्ड लेती है, ठीक है। इसी तरह उसका वो चल रहा होता है, फर्स्ट पहले एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। यहाँ पर जो उसने बताया की वैल्यू पेयर का ऐसा आइटम जो होगा वो इसकी की लेगी, जो डिस्क्रिप्शन होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम उसको जैसे हमारे पास अरे में होता है सेव होता है की वैल्यू पे, वैसा भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं जो हमने कल करवाया भी था। अच्छा, एज एन अल्टरनेटिव सिंटेक्स ऑफ फॉर ईच एज यू कैन से यूज द लिस्ट फंक्शन, ठीक है। अगर आपने अल्टरनेटिव सिंटेक्स लेना है फॉर ईच लूप का, व्हाइल लूप भी होती है, फॉर लूप भी होती है, ठीक है, व्हाइल डू लूप भी होती है, हम उसमें भी ऐसा ये ले सकते हैं स्ट्रक्चर को। अच्छा, मल्टी डिमेंशन अरे आ गई है। क्वेश्चन आपका कोई क्यूरी तो काइंडली मुझे बताएं, एनी वन ऑफ यू। स्लाइड शो नहीं हो रही, वालेकुम सलाम, जस्ट अ मोमेंट मैं बता देता हूँ। अमारा सुल्तान, कैसी हैं आप? एक मिनट जी, अभी स्लाइड शो हो रही है, मुझे काइंडली कंफर्म कीजिए जी, स्लाइड शो हो रही है आपको? जी, आपको स्लाइड शो हो रही है, मैंने लाइव लिंक भी दिया है, आप में से कोई अगर लाइव आके देखना चाहता है तो लाइव ही आ जाए, मीन स्ट्रीम यार्ड पे आके क्लास लेना चाहता है वो वहां पर भी ले सकता है, मेरे से डिस्कशन भी कर सकता है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मैं साथ स्लाइड भी दिखा रहा हूँ आपको, साथ में वो जो वर्किंग कर रहा हूँ वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप देखते रहे साथ साथ। मल्टी डिमेंशन अरे की बात हो रही है, सिंपल डिजाइन फीचर इन वर्ड पर पीएचपी अरे, ठीक है, सिंटेक्स मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट अरे ऑफ मोर देन वन डिमेंशन, इनफैक्ट दे कैन बी एज मेनी डिमेंशन एज यू लाइक, तो इट्स अ रियल एप्लीकेशन दैट गोज फर्दर देन 3। लेट्स लुक एट हाउ दिस वर्क बाय ट्रैकिंग द टॉकिंग द एसोसिएटिव इन अरे इन इन द प्रीवियस, ठीक है। अब समझने वाली चीज है, कहते हैं आप टू यहाँ पर टू डिमेंशनल अरे चला सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ज्यादा जो चल रहा होता है वो फर्दर थ्री डिमेंशन होता है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा होता,
ठीक है, 2 डेज होता है, थ्री डे होता है, 3 वे, ठीक है। वो आपने करना कैसे है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पर उसने जो एसोसिएटिव अरे है उसको उसने 3 डिमेंशन अरे बनाया है। एसोसिएटिव अरे को की वैल्यू पेयर्स को 3 डिमेंशन अरे बनाया है। पहले हम की वैल्यू पेयर के ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव कर देंगे, आके हम जो हमारा काम है उसके ऊपर हम उसको कर देते हैं। पहले हम की वैल्यू पेयर के ऊपर 3 डिमेंशन अरे बना लेते हैं। मेरे पास कल की अरे है, ये जो अरे है ये ओके जी, वो अरे नहीं है हमारे पास, ये अरे जी, ठीक है, ये अरे है, इसको हम लेके चलते हैं। हम इसको 2 डिमेंशन फिर 3 डिमेंशन अरे बना लेते हैं। ये अरे है हमारी जो कल हमने ली थी। हम कर लेते हैं यूजर वन, यूजर टू कर लेते हैं, यूजर थ्री कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यूजर वन कर लिया, यूजर टू कर लिया, यूजर थ्री कर लिया, ठीक है। अब ये जो अरे आ रही है, अगर हमने 2 डिमेंशन करना है, इस अरे को मैं यहां पर करूंगा, ये यहां पर वैल्यू, ठीक है। हाँ मैं अभी यहां पर करता हूँ, मैं थोड़ा सा ये जरा सही करने के बाद आपको गाइड भी करता हूँ साथ साथ। मैं कहता हूँ नेम आ गया, नेम, ईमेल, नेम हो गया। अब दूसरा जो सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अरे को, देखें जी यहां से कॉपी होगी, ठीक है। मैं अरे को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ। अब सेम इसी तरह तीसरी जगह भी मैंने अरे को कॉपी किया और प्रिंट करवा लिया। यूजर वन क्या नाम ये हो गया, यूजर टू का नाम होता है असगर अली, ठीक है, असगर अली आ गया। इसका जो ईमेल एड्रेस होगा asgrali@yahoo हो गया। इसका जो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नंबर ही हो गया। जो तीसरा यूजर मेरे पास है इसका नाम हो गया जी बुराक यूसुफ, ऐसे यूजर, ठीक है, बुराक यूसुफ हो गया। इसका जो आईडी होगा burak@yahoo.com, ठीक है। इसका जो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इसका नंबर हो गया। ये अरे है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करवा लिया, मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। इससे यानी कि आगे नेक्स्ट मूव होगा, मैं 2 3 डिमेंशन अरे के ऊपर काम करूँ। 2 डिमेंशन अरे भी हो सकती है, 3 डिमेंशन अरे भी हो सकती है। अभी जो मैंने बनाई है ये 3 डिमेंशन अरे है, ठीक है। मैं इसको डाउन करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर इको करवाता हूँ। इको क्या करवाता हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये क्या वाकई ही 3 डिमेंशन अरे है। मैं कह देता हूँ यूजर डाटा, ठीक है, यूजर डाटा अरे का नाम क्या रख दिया मैंने, यूजर डाटा रख दिया, ठीक है, मैंने यूजर डाटा अरे का नाम रख दिया। मैंने बाकी एडिट करवा दिया। लेट मी गो टू ऑन वेबसाइट, ठीक है। मैं यहां पर गया, ये देखें ये अब 3 डिमेंशन अरे चल रही है, 1 2 3, ये भी 3 आ रही है, इनकी तीन तीन वैल्यूज आ रही है। पहली अरे है उसके अंदर तीन अरे तीन वैल्यूज अलग से हैं, ठीक है। दूसरी अरे, ठीक है, उसके अंदर फिर अरेज है, तीसरी में फिर भी है। बेसिकली ये अगर मैं बात करूं, इसको मैं पेंट के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करूं टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू, हम यहाँ जाते हैं। एक हो गया हमारे पास, ठीक है, दोबारा हम वापिस आते हैं, उसके बाद ये हमारे पास हो गया। ये हो गया हमारे पास जी, ठीक है।
ये थ्री डिमेंशन एरे होगी ये, ठीक है, थ्री डिमेंशन एरे। अगर टू डिमेंशन में बात करूं, ये हो गया, ये टू डिमेंशन है, ये टू डिमेंशन है। अब मैं यहां पर इनको असाइन कर दूं, अगर ये जीरो है, ये वन है, ठीक है, ये जीरो है, ये वन है, ये यहां पर होगा टू डिमेंशन रे की। जो हम बात करें तो हमारा यहां पर ये सिनेरियो हो जाता है। सर काइंडली ये सर सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर, मैं दोबारा आता हूँ। ये भी शो हो रही है, यहां पर जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूं ना, मैं इसको कॉपी करके यहां पर ले आता हूं ताकि आपको समझ लगे। ये भी अरे मैंने यहां पर करने के बाद वहां पर लेके गया हूं। हाँ शो हो रही है स्क्रीन यार, देखो ये जो मैं जहां भी जितना भी काम कर रहा हूं मैं यहां आपको शो करवा रहा हूं। मुझे आइडिया है कि वो थोड़ा सा फिजिबल नहीं होगा, ठीक है, मुझे आइडिया है कि वो फिजिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पर कोड करके आपको वहां लेके जा रहा हूँ। अभी मैंने थ्री डिमेंशन अरे ली है, ठीक है, ये कौन सी अरे है, ये एसोसिएट अरे है। एसोसिएट अरे किस तरह है, ये भाई की वैल्यू पेयर अरे है, ये की वैल्यू पेयर अरे है। सेम इसी तरह हम इंडेक्स अरे को भी ये थ्री डिमेंशन अरे में लेके जा सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर जो सिनेरियो चल रहा है, यहां पर जो सबसे पहले यूजर वन आ रहा है, टॉप पे रे है वो यूजर वन आ रहा है, उसके बाद ही यूजर टू आ रहा है, यूजर थ्री आ रहा है, इधर फन जो टू है ना ये यहाँ पर आने हैं। यूजर आ गए, यूजर वन टू थ्री यहाँ पर आ गए। अभी जो अंदर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो इस तरह चल रही है, नेम है, ईमेल, नेम, ईमेल, फोन, इस तरह ये वैल्यू रन हो रही है। अगर मैं ये वैल्यू रन करने की बात करूं, अगर मैं देखूं कि क्या वैल्यूज आ रही है, जैसे ये नाम है, इसके अंदर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी, ई आ रहा है, एफ, जी, एच, अरे आई आ रहा है, ये इस तरह वैल्यूज, ये की वैल्यू पेज के अंदर वैल्यू चल रही है। मैं अगर इसको जो मैं अगर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट में यहां पर करवाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये आ रहा है यूजर वन, उसके साथ ये वैल्यू। अगर मैंने फर्स्ट नेम की यूजर की वैल्यू लेनी है तो मैं कैसे लूंगा, अरे का नाम, जो भी अरे का नाम दिया होगा, ये नाम उसका पहला वैल्यू, जो पहला अरे नेम आ गया, ठीक है, मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, नहीं इसमें मैं जो नाम लूंगा पहले यूजर वन आ जाएगा, फिर मैं दूसरी ब्रैकेट दूंगा, बस नेम आ जाए। अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज प्रिंट होंगी। लेट मी गो इन टू द कोड, इको
लेट्स ट्राई कि क्या ये प्रिंट होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ठीक है, एरे नेम हमारे पास कहता है अनडिफाइंड नहीं है, सही, सॉरी, इसका नाम यूजर डाटा हमने कर लिया हुआ है, यूजर डाटा करके अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, वो मुझे अब नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे हमें एक्शन एरियो क्लियर हो गया कि जब हमने एक्सेस करना है, ठीक है, पहले हमने पहली जो रे है उसको देना है, उसके बाद दूसरी रे में जो वेरिएबल है वो देना है, पहले पहली रे की वेरिएबल का नाम देना है, ठीक है, उसके इंडेक्स का नाम देना है, फिर दूसरी रे जो अंदर रे है, ठीक है, उसके इंडेक्स का नाम देना है, ये हमने याद रखना है। ये मैंने कोड आपके सामने किया है, ये जो कोड का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो ये सारा कोड है। लेट मी कॉपी दिस एंड शो टू यू, बिल्कुल इसको मैं ये स्पीसीज रिमूव कर दूं ताकि आपको क्लियर शो हो। ठीक है, ये यूजर डाटा लिया है, ये हमने एरे लिया है, उसको मैंने प्रिंट करवाया है, ठीक है, यहाँ से मैंने इको एक वैल्यू के करवा के दिखाई है। जब ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, हमें एक्सेस करना इजी होता है, हमें उसको एक्सेस करना इजी होता है। अगर मैं यूजर टू की ईमेल लेना है तो पहले मैं यूजर टू लूंगा, उसके साथ फिर मैं ईमेल लूंगा, पहले मैं यूजर टू लूंगा, उसके साथ मैं ईमेल लूंगा। लेट मी प्रिंट यूजर टू ईमेल, मैं इको लेता हूँ, मैं इसका इसे इधर बी आर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यूजर टू करके साथ ईमेल कर देता हूँ, यूजर टू ईमेल, ठीक है, यूजर टू ईमेल किया मैंने। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, अब मेरे पास असगर अली एट द रेट याहू डॉट कॉम, यानी कि मेरे पास दूसरा ये आ रहा है, मेरे पास ये दूसरे की वैल्यू आ रही है। ठीक है, यूजिंग दिस वे हम ये एसोसिएट अरे को टू डिमेंशन थ्री डिमेंशन अरे में एज अ यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इधर बात होती है कि अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, प्रिंट कैसे होगा, इसका दो रे होंगी लूप्स, ठीक है, दो लूप लगेंगी, एक लूप होगी लूप इनटू लूप होगी, लूप होगी लूप इनटू लूप हो रही होगी, ये फॉर ईच लूप से भी हो जाता है, और ये फॉर ईच लूप से ही हम इसको करेंगे, अदरवाइज ये हमें परेशान करेगी। ठीक है, परेशानी से बचने के लिए मैं इसको फॉर ईच लूप ही यूज करता हूँ। फॉर ईच लूप यूजर डाटा है, ठीक है, ये की वैल्यू है। अब मैं जो दूसरी रे लेता हूँ अंदर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैं इसको कॉपी किया, यहां पर हम की वैल्यू ले लेते हैं, हम ये वैल्यू अंदर ले लेते हैं। मैं कहता हूँ यूजर डाटा, मैं कहता हूँ यूजर की, मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, यूजर इनपुट कर लेते हैं। अब यूजर इनपुट आगे जाके देखते हैं क्या होता है, मैं इसको इको करवाता हूँ, मैं कहता हूँ वैल्यू पीस, ठीक है, मैं पहले की प्रिंट करवा देता हूँ, ये की आ गया, इसको कंकेटिनेट किया, इसी के साथ में वैल्यू आ जाते हैं। जी जी मैंने ये इसको प्रिंट करवा लिया, इतना सा काम किया मैंने। अच्छा जी, बी आर हमारे पास था, मैंने बी आर लिखा हुआ था कहीं पे, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, बी आर साथ साथ प्रिंट होता जाएगा। प्रिंट करवाने के लिए जो कोड मैंने लिखा है, मैं वो आपको पहले शो करवा दूं, उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, अगर कोई एरर आया तो वो हम एरर देखेंगे। तो मैं ये एरे का नाम यूजर डाटा है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, फॉर ईच लूप लगाइए, फॉर ईच लूप में यूजर डाटा एस यूजर की दी है, और उसको यूजर इन्फो दे दी है, ठीक है, यूजर की जो वैल्यूज है उसको इन्फो दे दी है, ठीक है, उसके बाद फिर फॉर ईच लूप है, लूप इनटू लूप है, यूजर इन्फो एज अ की, फिर जो पहले वैल्यू थी उसको एज अ की लिया हमने, ठीक है, की लेके वैल्यू दी है, जो प्रिंट करवाया इको की को कराया वैल्यू इस, यानी कि इस की वैल्यू क्या है जी, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट मी रिफ्रेश द कोड,
कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों नहीं डिफरेंस आया? क्योंकि मैंने सेव नहीं था किया। लेट मी सेव एंड अब देखें, नेम की वैल्यू आई है। अच्छा जी, यहाँ पर बी आर आ रहे हैं, यहाँ स्पेस कम है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, ये सिर्फ वैसे ही ऐड कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो कि आपको रिजल्ट क्या आ रहा है। लेट मी गो अगेन एंड रीअरेंज। ये हमारे पास आ रहा है जो फर्स्ट नेम है हमारे पास, ये जो रे आ रही है इसका नेम आ रहा है हाफिज मोहम्मद वकास, उसका ईमेल एम वकास आ रहा है। जो सेकंड नेम है इसका नाम आ रहा है असगर अली, askarali@yahoo.com। जो थर्ड है वो बुराक यूसुफ है, ठीक है, उसकी ईमेल आ रहा है burak@yahoo.com। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन क्यूरी आपका? एनीवन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी? किसी का कोई क्वेश्चन और क्यूरी हो? अच्छा, अगर स्लाइड वाले नजर नहीं आ रहे तो ये मैं इसको ऐसे करता हूँ, आई बिलीव अब स्लाइड वाला भी नजर आ जाएगा। ओके जी, ये उसने प्रिंट करवा दी, जो हमने प्रिंट करवा के देखा सेम वे में हमने इसे काम किया हुआ है। ठीक है, अब हम अरे ले लेते हैं यूजिंग अरे फंक्शन। ठीक है, ये बता देती है अरे में वैल्यू है कि नहीं है। यू आर ऑलरेडी सीन द लिस्ट ऑफ एंड ईच फंक्शन, ठीक है, बट पीएचपी कम्स फ्रॉम न्यूमेरिक्स और अदर फंक्शन एंड हैंड फॉर हैंडलिंग अरेज। ठीक है, पीएचपी अरेज को हैंडल करने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन है इस अरे का, ये चेक करके बताती है कि ये अरे है कि नहीं। अरे एंड वेरिएबल शेयर द सेम नेम स्पेस, ठीक है, दिस मींस दैट यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल्ड फ्रेट एंड एन अरे आल्सो कॉल्ड फ्रेट। आपके अरे का वेरिएबल डिफरेंट होगा और वेरिएबल का जो जो डिक्लेयर कीवर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। इफ यू आर इन डाउट एंड योर कोड नीड्स टू चेक वेदर अ वेरिएबल इज एन अरे, यू कैन यूज दिस फंक्शन इज अरे लाइक दिस। मैं कहता हूँ कि मैंने अरे को डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ इफ की कंडीशन यूज करता हूँ, इस अरे का फंक्शन यूज कर लेता हूँ मैं, इसमें जो मेरा ये यूजर डाटा ये मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कट करता हूँ, मैं आपको पहले शो करवाता हूँ फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। ये देखें, ये अरे ये चेक कर रहा है कि अरे है कि नहीं है। अगर अरे होगी तो ये प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं करवाएगा। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इज अरे, अगर अरे हो तो फॉर ईच चले, अदरवाइज ना चले। अगर अरे है तो फॉर ईच लूप हमारी चले, अदरवाइज हमारी लूप ना चले, ताकि हमें बाद में एरर ना आए। ठीक है, यहाँ तक आ गए, ये हो गया जी, मैं इसको रन कर रहा हूँ। अभी कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये अरे है, क्योंकि ये अरे है इसलिए रन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जी, वेरिएबल माई वेरिएबल, ठीक है, मेरी इसको मैंने वैल्यू दे दी रिजल्ट ऑफ आई एस यू एल रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स हो रहे। ठीक है, मैंने ये वैल्यू देके इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, अब जो पहले था मेरे पास वो डिफरेंट था, अब मैंने जो मैं वेरिएबल मैंने जो भी डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, इसको मैं चेक कर रहा हूँ। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही वो चेक कर रहा है। अगर अरे होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप ये रन नहीं करेगा, रिजल्ट वहां पर शो नहीं होगा। कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद हम आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, अब वो रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ। रिजल्ट प्रिंट ना होने की क्या रीजन है जी? रिजल्ट ना प्रिंट होने की रीजन है कि वो अरे नहीं है, अगर अरे होती तो वो प्रिंट करवा देता। इसी तरह मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ। जो यहाँ पर बात हो रही थी ये हो रही थी कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम चेक करते हैं कि अरे है हमारे पास, अगर अरे है यानी कि हमारे पास अरे है तो क्यों प्रिंट हो, अदरवाइज वो लूप में जाए ना, वो एंटर ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, काउंट हो गया, हम काउंट भी यूज कर सकते हैं। काउंट क्या बताती है? काउंट हमें बताती है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल है। काउंट हमें बताती है कि इसके अंदर कितने अरे के अंदर कितने वेरिएबल है। ये हमें आगे जाके फायदा भी होगा। शफल का कीवर्ड है जो शफल कर देता है, एक्सप्लोर का और इम्प्लोर का होगा, एक्सप्लोर और इम्प्लोर का होगा। अच्छा जी, पहले तो मैं दूसरी अरे लेता हूँ। अभी तो मेरे पास ये क्या थी, ये की यूजर डाटा थी अरे,
यूजर डाटा से मुराद है की वैल्यू पेयर थी या मैं दूसरी अरे लेने लगा हूँ। दूसरी अरे कौन सी है थी? ठीक है, ये मेरे पास अरे आ गई, इसमें मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग अरे लेता हूँ। ये भी चीज मेंशन में लूंगा, अरे इनटू अरे होगी। वन हेलो वन वर्ल्ड वन, मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरी वैल्यू पहले की आ गई है। देखिए सेम मैं सिनेरियो कौन सा कर रहा हूँ जो मैंने वो वहां पर आपके सामने टू किया हुआ है ना, थ्री डिमेंशन अरे किया। किसके साथ मैंने किया जी? वो काम मैंने किया है इसके साथ, की वैल्यू पेयर्स के साथ। ये वही काम सेम काम मैं कर रहा हूँ इंडेक्स अरे के साथ। ठीक है, जो सिंपल अरे होती है उसके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मुझे डिफरेंस पता चल सके, मैं जब काम कर रहा हूँ मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, EW2 ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये मैं कौन सा कर रहा हूँ, वो यूजर डाटा था, ये इंडेक्स डाटा। ठीक है, INDEX इंडेक्स डाटा कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स डाटा, मैं अब इंडेक्स डाटा को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, ये मैंने अब अरे लिखी है, दीज आर जस्ट थ्री लाइन कोड ये है। ठीक है, ये हो गया, ये कोड हमारे पास है जो हम शो करवा रहे हैं, ये हमने लिखे। अब मैं इसको इको करवाता हूँ, पहले मैं दूसरा इको करवा रहा था, अब मैं इसको इको करवा लेता हूँ। ऐसे करता हूँ, मैं दोनों को इको करवाता हूँ ताकि हमें डिफरेंस भी पता चलता जाए। लेट मी गो टू द कोड एंड रिफ्रेश द पेज, ये आ गया हमारे पास। जो अभी नंबर्स वाला आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, नंबर्स के अंदर जो प्रिंट हो रहा है ये नंबर्स में आ रहा है। ये दूसरा की वैल्यू पेज है, ये की वैल्यू पेज है, ये हमारे पास नंबर में आ गया। ठीक है, अब ये देखिए नंबर के अंदर खुद ब खुद उसका इंडेक्स डिफाइन कर दिया, जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स के अंदर जाके कह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जीरो वन टू थ्री है। ठीक है, जीरो 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 वन जीरो टू इस तरह चलेगा। इसी तरह ये जो वन इंडेक्स है इसमें एक अरे है, ठीक है, वन जीरो के अंदर वैल्यू पड़ी है, वन वन में पड़ी है, वन टू में पड़ी है। इसी तरह टू इंडेक्स के अंदर एक अरे है, इसमें टू जीरो में वैल्यू पड़ी है, टू वन में पड़ी है, टू टू में वैल्यू पड़ी हुई है। ये जिस वे हमारी जो अरे है वो काम कर रही होती है। इसको हम अब फोर ईच लूप से नहीं, फोर ईच लूप हमने कर ली है, इसको हम अब फोर लूप से प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पहले सिंपल प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे हम इसको डायनामिकली कर देंगे, खुद ब खुद वो हमारा काम चल रहा होगा। लेट मी गो टू द कोड अगेन, यहाँ पर मैं फोर लूप लेता हूँ। फोर लूप भी इसका जीरो इंडेक्स है, इसके जो फर्दर पॉइंट है कहाँ तक कोड होना है, मैं ये डेटा लेता हूँ, इंडेक्स डेटा GOUND काउंट। काउंट का फंक्शन है यहाँ पर जी, काउंट का फंक्शन क्या करेगा, काउंट का फंक्शन हमें बता देगा कि इसका मैक्स जो वैल्यू है ये है, इस अरे में इतनी वैल्यूज हैं, ये काउंट है जी। मैं इसको विदाउट एनी रीजन, ठीक है, मैं इनके विदाउट एनी कोड इसको मैं रन करता हूँ पहले, ताकि क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो। कल को जब आप काम कर रहे हो आपको पता हो कि इसका काम क्या और ये किस तरह काम कर रहा है। मैं इसको इको करवा रहा हूँ, इसको मैंने करवाना है और यहाँ से एग्जिट कर देना, ताकि मुझे भी दूसरा भी कोड शो ना हो। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, ये मैं आपको पहले नोटपैड पे कॉपी करके भी दिखा देता हूँ, ये मैं करने लगा हूँ जी। मैं काउंट इंडेक्स डाटा को, यानी कि जो मेरी अरे है इसको मैं काउंट करने लगा हूँ कि ये कोई कितना काउंट है इसका। लेट मी रिफ्रेश, कि उसने बता दिया थ्री काउंट है। थ्री काउंट से मुराद के इसके तीन इंडेक्स है। अब तीन इंडेक्स क्या है, वो जीरो है, वो वन है, वो टू है। ठीक है, जीरो वन टू, इनके स्टार्टिंग जीरो से होगी, एंडिंग टू पे होगी, वो बता रहा है। अब इस कंडीशन को हम क्या कर देते हैं,
फोर लूप लूंगा। ठीक है, फोर लूप में मैं क्या करूंगा, वेरिएबल मेरे पास आ गया जी, आई इज इक्वल टू जीरो, मैंने इसको जीरो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आई, ठीक है, आई किधर गया जी, आई लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, लेस देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर काउंट लगा देता हूँ, काउंट इंडेक्स डेटा, उसके बाद आई में इंक्रीमेंट में करवा प्लस प्लस, ठीक है, ये कोड है। अगर मेरे पास सिंगल डिमेंशन अरे होगी ना, सिंगल अरे होती है, उसके लिए ये कोड कॉपी करता है, उसमें कोई भी वैल्यू या खुद ब खुद उसे पढ़ के उसे प्रिंट करवा रहा होता है, उसे खुद पढ़ के उसे प्रिंट करवा रहा होता है। मैं यहाँ पर बी आर करता हूँ, बी आर में अब मैं यहाँ पर जो अरे है मेरी उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर मैं इंडेक्स वैल्यू कर देता हूँ, क्या करता हूँ मैं जी, इसको पहले आई को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ, आई आ जाएगा, इसके साथ कंकेटिनेट करने के लिए हम डॉट ऐड करते हैं, लास्ट में भी जब वैल्यू कंकेटिनेट करनी है तो मैं इसका ऐड करूंगा, एंड वो ऐड किया, क्या ऐड किया जी, मैंने ऐड किया डॉट ऐड किया, इंडेक्स हाइफन डाटा, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं सिंपल आई करवा दूंगा, ठीक है, आई करवा दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मेरे पास सिंगल और रे है, ठीक है, उसके लिए तो बेस्ट है। मैं वापिस जाता हूँ, यहाँ पर मैं इससे पहले एक सिंगल रे ले लेता हूँ, इंडेक्स की, ठीक है, इसमें ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसमें सिंगल की वैल्यू आ रही है, ये टू डिमेंशन रे नहीं है, सिंगल रे मैंने कर दी। करने की इसकी रीजन है कि आपको क्लियर हो, अगर इसमें कोई भी वैल्यू हो वो ऑटो प्रिंट हो रही है। मैंने कोड एग्जिट कर दिया, कोड एग्जिट इसलिए किया कि पहले मैं यहां तक क्लियर करूं, उसके बाद फर्स्ट मैं फर्स्ट डिमेंशन अरे यानी कि जो सिंगल अरे है उसको क्लियर किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट मूव किया जाए। कोड को मैं यहाँ ले आता हूँ दोबारा आपके लिए, ये कोड अरे, ठीक है, इंडेक्स डाटा है अरे वन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वन, ठीक है, ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, उसके लिए मैंने लूप यूज किया, फोर लूप यूज किया, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन काउंट, मैंने वो जो अपनी अरे है वो दे दिया, वो मुझे बता देगी कि इसके अंदर कितना वैल्यू है, और आई प्लस प्लस, ये ऑटो चलता रहेगा और मेरा रिजल्ट मुझे शो करवा देगा। लेट मी गो टू इन पेज, मैं वेबसाइट पे जाता हूँ अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, जी जीरो इंडेक्स वैल्यू इज वन, ठीक है, वन इंडेक्स वैल्यू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, टू इंडेक्स वैल्यू वर्ल्ड वन, ये जिस पे हमारा ये वन वे चल रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंगल डिमेंशन अरे हो, अब हमारे पास सिंगल डिमेंशन नहीं है, हमारे पास मल्टी डिमेंशन अरे है, ठीक है, वो 3x3 की अरे है, 3x3 की अरे है, हम इसी को आगे लेके चलेंगे कोड को, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, यहाँ पर आता हूँ मैं, ये जो कोड मैंने किया इसी को मैं आगे लेके चलूंगा, इसी में एक कोड ले ले लेंगे, कैसे देंगे जी, फोर लूप में मैं आया, मैं दोबारा इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी, अब जो फोर आई था पहले, मैं इसको के कर लेता हूँ, ये लेस देन के प्लस प्लस, ठीक है, ये इनर लूप है, दो लूप, लूप इनटू लूप है, ठीक है, इसको मैंने के कर दिया। अब के का के जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो काउंट इंडेक्स है, ये अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनर में कितनी वैल्यू है, इसको छोटा सा मैं काम करूंगा, मैं ये ऐड कर दूंगा, इसमें जब मैं आई ऐड करूंगा, इसका फायदा होगा कि पहले वो यहां पर जो वो बताएगा काउंट इंडेक्स क्या है जी, काउंट इंडेक्स किसका बताएगा, ये भी बता रहे हैं, जो यहाँ पर वो बताएगा ना, ये पूरे का बताएगा कि इसके अंदर कितना रहता है, ये जो पहली अरे है इसका बताएगा इसमें कितनी काउंट है, ठीक है, वो बताएगा 3 का।
काउंट है, 1 2 3 एरिया है, वो बताएगा कि 3 काउंट है, 0 1 2 इंडेक्स हो जाता है। अब यहाँ पर जब उसको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर किसकी वैल्यू मिली है, इंडेक्स डेटा इसको इस फर्स्ट अरे की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 होगा। यहाँ पर वो बताएगा कि इस अरे के अंदर काउंट कितना है, इसके अंदर 2 है 3 है 4 है, वो खुद ब खुद ज़ूम करके यहाँ पर वो आ जाएगा, फिर वो उसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट की कमांड हमारी ये होगी, ठीक है, यहाँ पर ए, बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा तरतीब दे देता हूँ ताकि जो इंडेक्स है हमें पता चले कि कौन कौन सा इंडेक्स आ रहा है। ए आई के बाद मैं यहाँ पर के को भी कंकेटिनेट कर देता हूँ, के भी कंकेटिनेट होगा, आई हो है। यहाँ पर करने का मकसद है कि आपको रिजल्ट समझ आए, आपको पता चले कि किसकी वैल्यू क्या शो हो रही है, आपको कंफ्यूजन ना हो, आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, बस ये छोटी सी रीजन है और कोई रीजन नहीं है। चलिए भी आ रहा है, स्पेस आ रही है, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू इस, ठीक है, हमारा अरे का डाटा, अरे इंडेक्स डाटा आ गया, ठीक है, इसमें आई पहला आई आया, उसके बाद जो दूसरा होगा ओके आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी एक दफा आपको शो करवा देता हूँ कि किस तरह ये हो रहा है, ये जी ये हमारे पास शो हो रहा है। ये जो लूप है 2 डिमेंशन अरे के लिए ये वर्क करेगी, हमारे लिए 2 डिमेंशन अरे के लिए ये काम करेगी। अगर डेटा कम ज्यादा भी हो जाता है फिर भी ये काम करेगी। यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं इनके इसको कॉपी किया, सेव किया, मैं ये कर देता, देखिए अब 0 0 इंडेक्स की वैल्यू इज 1 आ रही है, 0 1 की वैल्यू है वर्ल्ड 1 आ रहा है, 0 2 इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है जी, 1 आ रही है, हेलो वर्ल्ड 1 आ रही है, इसी तरह 1 1 इंडेक्स की ये वैल्यू आ रही है, 2 2 इंडेक्स की ये वैल्यू आ रही है। अब ये 3 डिमेंशन अरे है, ठीक है, 3 बाय 3 की अरे है तो वैल्यू आ रही है। अब मैं अगर इसमें कोई छेड़खानी करता हूँ अरे में, मैं कहता हूँ मैंने और वैल्यूज ऐड करनी है, वर्ल्ड 1 1, ठीक है, वर्ल्ड 1 1 कर दिया मैंने। अब मैंने एक जो अरे है ना, अरे इंटू अरे, उसकी वैल्यू ज्यादा की है, बाकी कितनी जाने दी है, क्या वो उसको ज्यूम करता है, क्या वो उसको प्रिंट करवाता है, जी ये देखें उसको भी प्रिंट करवाया। अब बेसिकली ये ऑटो चल रही है, ये खुद ज्यूम आई है, खुद फिगर आउट कर रही है कि किस अरे में कितनी वैल्यू है और उसको उसके मुताबिक प्रिंट आउट करवा रही है, ठीक है। ये जो आज का जो क्लास का कोड था, ठीक है, वो ये है, ठीक है, जिसको हमने समझ नहीं किया था, और दूसरा जो हमने फोर इच इंटू इच किया हुआ है ये है, ठीक है, उसमें भी हमने लगाया हुआ इधर एक का, इस पे भी हम इधर एक का लगाते हैं, अगर अरे है तो हमारी प्रिंट होगा, अदरवाइज हमारा ये काम ना हो। इस अरे देन गुड वर्किंग फाइन इट शुड वर्क अदरवाइज स्टॉप। ये यहाँ पर हो गया, ये अब हमारे पास एक और कोड आ गया, ठीक है, अरे का, अरे इनटू अरे का कैसे रीड करना है, हमने इस तरह रीड करना होगा। अगर हमारे पास कोई काम भी आ जाता है इस तरह, तो हम इसको यानी कि कोई अरे हमने रीड कर दिया, अरे इनटू अरे रीड करनी है, तो हम इस तरह इसको रीड करेंगे। कोई क्वेश्चन क्यूरी आपकी है तो काइंडली मुझे बताएं, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ओ सॉरी, अनाउंसमेंट मैं स्क्रीन से रिमूव कर देता हूँ। बाय द वे, मैं आपके साथ ही दोनों ये जो हमारी कोड फाइल है वो भी शेयर करूंगा, सो डोंट बी वरी, स्क्रीन ये भी मैं आपके साथ टेक्स्ट फाइल भी शेयर कर देता हूँ, अगर आप टेक्स्ट फाइल आपको चाहिए तो। ऐसा स्क्रीन एक ही एक है, हाँ, स्टक है, ओके चलें, शुक्रिया, स्क्रीन से एक रिमूव करते हैं प्लीज, ओके मैंने कर दी है सर, काइंडली नोटपैड की फाइल भी शेयर कर दूंगा सर, ये एक ही स्टैटिक पेज हो रहा है, एक ही स्टैटिक पेज क्या हो रहा है मुझे काइंडली बताएं। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ आपके लिए, मैं ओपन गूगल क्लासरूम करता हूँ, मैं पहले तो आप लोगों को ये सारी फाइल शेयर करता हूँ।
एक ये फाइल है, ये नोटपैड वाली फाइल को भी मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। क्लास कोड, ठीक है, टुडे क्लास कोड हो गया, ये जो पीएचपी है, और मैं टुडे क्लास कोड को मैं जिप करता हूँ, कंप्रेस, टुडे क्लास कोड हो गया, मैं इसको राइट नो अपलोड कर रहा हूँ। कहाँ पर कर रहा हूँ जी, मैं राइट नो इसको क्लास वर्क में कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मटेरियल में मैंने ऐड किया, ऐड फाइल में, मैं यहां से मैं कोड अपलोड करता हूं, अपलोड, ठीक है जी, टुडे क्लास कोड, ये मैंने आप आपके लिए कोड कर दिया, ठीक है, दोनों चीज होगी। रन कोड एंड लेट मी नो यू फेस एनी एरर, ठीक है, ये मैंने इधर सेव किया, ये पीएचपी ही चल रही है, पोस्ट में कर देता हूँ जी, ठीक है, ये आपके लिए मटेरियल मैंने ऐड कर दिया, ये आपके लिए मटेरियल ऐड हो गया, अब यहाँ से आप जाके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो मुझे बताएं, हम उसको इंटरटेन करें, कोई भी क्वेश्चन की क्यूरी आपकी, एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन है अभी जो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, एक ये जो क्वेश्चन है आपका वो मुझे पूछे, कोई भी क्वेश्चन क्यों रही हो तो आप मुझे बताएं, उसके साथ आप लाइव आए, हम बिडिंग कर सकते हैं, आप बिडिंग करेंगे, और आपको भी ये मैंने रूटीन की थी, आपने से जो जो थे मुझे आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, आपको कैसा लगा था, जैसे मेरे साथ रात को था जकिया सदीकी सदीक थी, उसके साथ एक और था अवैस था, अवैस ने बिडिंग की थी, बड़ी अच्छी बिडिंग की थी उसने, एक थोड़ी देर में आई थी, एक और दो तीन और लोग आए थे हमारे साथ, ठीक है, जैसे ईमान जो शमीम आई थी वो चली गई थी क्योंकि उनका इंटरनेट नहीं था सही चल रहा, अब्बास आए थे, नहीं अब्बास नहीं थे आए, ठीक है, काफी ज्यादा इनके लोगों ने कमेंट किया था लेकिन मेरे साथ लाइव नहीं थे आए। अब आप मेरे साथ लाइव आएंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा वो आप करेंगे, साथ आप बिडिंग करेंगे, आप जब बिडिंग करेंगे तो मैं खुद आपका प्रपोजल ऑन द स्पॉट पढ़ूंगा, मैं गाइड करूंगा कि इस प्रपोजल में ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए या ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, ओपन है, आप जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको लगे आप मुझे अपने व्यू शेयर करें, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। इसी के साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस टास्क भी देने लगा हूँ, टू अरेज ऑफ नंबर्स, ठीक है, सिंगल होगी, डिमेंशन ही होगी, क्रिएट टू अरेज, आपने टू अरेज क्रिएट करनी है, ठीक है, टू अरेज एंड इंसर्ट अरेज थर्ड अरे, ये काम है, आपने दो रे बनानी है, लाइव के लिए मैंने स्क्रीन शेयर की है, लाइव आप यहां से आ सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने शायद शेयर कर दी है, ठीक है, जो अब आपका टास्क है उसके लिए मैं आपका एडिट करता हूं, ठीक है, अभी के लिए टास्क जो आपका ये क्रिएट टू अरेज और नंबर, नंबर की दो अरे क्रिएट करें, ऐड टू अरेज एंड इंसर्ट एंड पुट इन दीज वैल्यूज, पुट इन टू अ थर्ड अरे, ठीक है, थर्ड अरे में करें प्रिंट द थर्ड अरे एंड शेयर द रिजल्ट, एक ये टास्क है, ठीक है, टाइम इसके लिए कितना है जी आपके पास, टाइम 10 मिनट है, ये टास्क मुझे भी चाहिए, आपने भी ये काम करके मुझे दिखाना है, ठीक है, लाइव आके आप दिखाएंगे, आपको जो क्वेश्चन क्यूरी है मुझे बताएं, वो मैं आपको आंसर कर देता हूँ, जी जो आपका क्वेश्चन है जो क्यूरी है वो मुझे बताएं, वो मैं आपको आंसर कर देता हूँ।
ये टास्क है जो अभी का आपने भी काम ये करना है। किसी को इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, मुझे बताएं। या जो मैंने टॉपिक अभी अरेज का बताया, अरेज का मैंने समझाया, एसोसिएट अरे का है, सिंपल अरे का, इसके हवाले से कोई क्यूरी हो, आपको समझ ना आई हो, फिर भी मुझे बताएं। जी, एनी वन ऑफ यू, आर्टी मनान, उमेर, उमर तारिक, मुजम्मिल इमरान, अक्सा हसन, इमान शमीम, शुमाइला हुसैन, एनी वन ऑफ यू, रमीज, रमीज कल अवेलेबल थे लेकिन अभी रमीज लेक्चर्स में नहीं आ रहे, रोहान आसिफ, उमर भट्टी। शुमाइला आपका ये टेस्ट कैसा हुआ, आपका टेस्ट था कैसा रहा, टेस्ट आपका, उमर भट्टी आपका भी टेस्ट था, आपका टेस्ट कैसा रहा मुझे बताइएगा। जो जो अवेलेबल है काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ अवेलेबल हैं। सरमद हसन कैसे हैं जी आप? जी जो अवेलेबल है काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं और ये टास्क कंप्लीट करें। सिंपल सा टास्क है, ठीक है, आपको हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स, उसके बाद मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन थे। यस, हाफिज मोहम्मद नुमान कैसे हैं आप? अब्दुल रहमान आप कैसे हैं? ब्रदर ये टास्क आपने करना है, आप ऐसे जो लाइव आना चाहता है काइंडली लाइव आए, मैं उसकी बिडिंग लाइव चेक करूंगा कि आपने क्या बिड किया है, किस तरह आप प्रपोजल लिख रहे हैं, ठीक है। वो सारा जो टास्क है वो मैं आपका लाइव चेक करके आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप इसे जो लाइव आना चाहते हैं लाइव आए, साथ ही टास्क कम्प्लीट करें, मुझे ये टास्क बताएं कि कितना टास्क आपने कम्प्लीट कर लिए। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स के बाद मैं आगे फर्दर टास्क नया दे दूंगा आपको।
जी बाकी स्टूडेंट्स भी टास्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, काइंडली मुझे अपडेट करें। ये टास्क करना है, आपके पास 8 मिनट बाकी हैं, ठीक है। ये टास्क कंप्लीट होना है, उसके बाद बिडिंग है। आप में से जो भी आना चाहता है काइंडली लाइव आए, क्वेश्चन करें। आपका जो क्यूरी है, जो इशू है, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि वो सॉल्व हो। अगर ये अरेज का समझ नहीं आया फिर भी मुझे पूछें, मैं दोबारा समझा दूंगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फरहान यूसुफ कैसे हैं आप? फरहान मुझे आपका टेक्स्ट मिल गया था तो मैंने वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। फरहान लाइव बिडिंग करेंगे आप? लाइव बिडिंग करने का मकसद क्या होता है कि आपके जो एरर है वो फिक्स हो जाए, ठीक है, आपके जो इश्यूज आ रहे हैं वो फिक्स हो जाए। अक्सा एहसन अवेलेबल है कि नहीं? अफान सैयद, ईजा जलेब है कोई? जवाद जर्जब है कि नहीं? जवाद, हाफिज वगार सलीम, उमर तारिक खान, मोहम्मद उस्मान, मुजम्मिल इमरान, आरटी मनान, जिशान हैदर, शुमाइला हुसैन, मोहम्मद अब्बास। तुम अब्बास से तो मुलाकात हो गई है, बात भी हो गई है। नुमान मुनीर, अली रजा, एहसान हक, साजिद जी, आप में से किसने टास्क कंप्लीट कर लिया है? जिसने कंप्लीट किया काइंडली मुझे बताएं। दो अरे लेनी थी, दो अरेज को प्लस करना था तीसरी अरे में, ठीक है, तीसरी अरेज में पुट करके उसको डिस्प्ले करवाना था। मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं एग्जिट किया। मैं यहाँ पर डाइस स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जो टास्क आपको दिया था मैं वो करने लगा हूँ अभी, कि दो रे ली हमने, मैं कहता हूँ रे वन ले ली मैंने। ठीक है, मेरे पास रे वन आ गई। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आ गया, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज मैंने अरे वन में ले ली। इसी तरह मैं अरे टू लेता हूँ,
वन टू टू ये कुछ वैल्यूज आ गई। एक चीज क्लियर है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होगी तो वो काम चलेगा। ठीक है, फोर इच लूप लेते हैं, फोर लूप लेते हैं जी। जीरो जीरो इंडेक्स हुआ, जो काउंट है वो काउंट हमने लगा दिया। काउंट हमने क्या लगाया जी, अरे वन का। हम किसी भी अरे वन या अरे टू का काउंट लगाएंगे तो हमारा काम चल पड़ेगा। ठीक है, वो मैं हमारे पास नंबर ऑफ आ जाएगी। मैं एक अरे ले लेता हूँ, अरे थ्री ले लेते हैं। ठीक है, अरे थ्री लेते हैं। ठीक है, मैंने अरे थ्री ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अरे थ्री जो है, अरे थ्री मैंने यहाँ पर ली, इक्वल टू अरे वन और अरे टू की वैल्यू हम इसमें असाइन कर देते हैं। प्लस मैंने किया, अब यहाँ पर जो आई इंडेक्स है उसने की रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें मैं ऐड करूँ उसमें अगर मैं ना भी इंडेक्स डालूंगा तो खैरियत खैर है। उसकी रीजन क्या है कि वो खुद को रिज्यूम करेगा कि जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, उसके वो वैल्यूज ऐड करता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अरे वन आ गया, यहाँ पर अरे टू आ गया, ये आ गया। ठीक है, लेट मी डू दिस, ये हो रहा है सारा। ठीक मैं यहाँ पर ये कॉपी करता हूँ, ये देखिए ये है, अरे वन ली मैंने, अरे टू ली, दोनों के नंबर सेम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है। ठीक है, इनके नाइन मैंने ऐड किए हैं। अब नीचे भी मैं गिनता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये दोनों के नंबर सेम है, इसलिए मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, मैंने एक थर्ड अरे, ये इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अब सिनेरियो ये चल रहा है, फोर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन काउंट अरे वन, यानी कि उसका काउंट अरे वन होगा, आई प्लस प्लस होगा। अब अरे जो थ्री है इसके अंदर मैंने क्या किया, इज इक्वल टू किया अरे वन प्लस अरे टू की, जीरो इंडेक्स पहले सेव होगा फिर वन इंडेक्स सेव होगा। तो इस तरह रे में हमारे अरे थ्री में वैल्यूज आती जाएंगी। उसके बाद सेम मैं लूप लेता हूँ, इसमें मैं अरे थ्री ले लेता हूँ और मैं इको अरे थ्री करवा लेता हूँ। ठीक है जी, अरे थ्री मैं ले लेता हूँ, ये करवा लेता हूँ मैं इसको इको। इंडेक्स एक्स वैल्यू इज, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये हो गया। मैं यहाँ पर इंडेक्स भी प्रिंट करवा लेता हूँ, ये कंकेटिनेट होना है। मैंने बेसिकली दो लूप ले लिए हैं, एक वो प्लस करने के लिए, दूसरी मैंने किस लिए ली है जी, मैंने एक प्लस करने के लिए, दूसरी प्रिंट करवाने के लिए ली है। ये मैं दोबारा प्रेस करता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये मैं कंप्लीट करता हूं यहां पर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास अरे वन अरे टू। ठीक है, पहले अरे एक ली है, फिर अरे सेकंड, उसके बाद थर्ड अरे ली है। थर्ड अरे में कुछ भी नहीं रखा, खाली अरे डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद फोर लूप ली है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन काउंट अरे वन, ठीक है, आई प्लस प्लस, दोनों अरे को, अरे वन और अरे टू को प्लस करता जा रहा हूँ, उसके इंडेक्सेस को तो अरे थ्री में सेव कर रहा हूँ। फोर लूप लगाई है, काउंट किया कि कितना इसके पास इंडेक्स आ गया, आई लेस आई प्लस प्लस, इको करवाया, इंडेक्स ही दस, ये इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अरे उसके अंदर हमने सेव करवा दी है। इस कोड को अब हम यहाँ रन करते हैं, एक्सिट मैंने किया हुआ, ये मैं सेव करता हूँ। मैं जाके यहाँ पर सिर्फ यहां जाता हूँ पेज के ऊपर, पेज पे जाके मैं सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, एक चीज कम है, क्या कम है जी, मैंने इसको पीआर नहीं दिया, वह पीआर दूंगा तो मुझे प्रिंट सही शो होगा। इको बीआर दे देते हैं यहाँ पर जी, बीआर मैंने दे दिया।
ठीक है, जीरो इंडेक्स 12 हो गया, जीरो इंडेक्स 1 इंडेक्स, ये इस तरह हमारा इंडेक्स चल रहा है। अब अगर हम अपने कोड को देखें कि क्या ये वैल्यू होती है, 11 + 1 = 12 होता है जी, बिल्कुल 12 आ रहा है। इसी तरह वो प्लस करता जा रहा है और वैल्यूज हमें शो करवाता जा रहा है। यूजिंग दिस वे हम ये कोड कर सकते हैं, ये आपके सामने शो हो रहा है, मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं मुझे, कोई क्यूरी है तो, कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे इसका बताएं। अब जो इसके बाद हमारी जो प्लान है अभी जो हमने करना है वो प्रपोजल करना है। एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट करके मुझे बताएं। ये कोड है अपने पास, रन करके देखें, अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर भी मुझे बताएं कि सर जी कोड नहीं चल रहा, इशू आ रहा है, या कोई वैसे क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट तो मुझे अपडेट करें ताकि मैं वो आपका इशू फिक्स कर सकूं। जी ये कोड है जो मैंने टास्क अभी आपको बताया है उसका ये कोड है जी। इसका एक छोटा सा मैं एक कर दूं, यहां पर इको बी आर बी कर देते हैं हम, इको ठीक है, इको मैंने बी आर किया, इको मेरा बी आर हो गया, कहां चला गया बी आर, ठीक है इको बी आर हो गया। ये कोड आप रन करेंगे तो आपका जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये अब विजिबल होगा आपको, ये कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो मुझे बताएं। ये जो कोड है जो मैंने आपको टास्क सिखाया, फॉर टास्क न्यू क्रिएट टू अरेज ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऐड टू अरेज एंड पुट इनटू अ थर्ड अरे, प्रिंट द थर्ड अरे एंड सेम द शेयर द रिजल्ट विद द विद मी, ठीक है। टाइम आपका 10 मिनट था, 10 मिनट के अंदर आपने ये काम करना था। तो अभी जिन्होंने कर लिया वो भी मुझे बताएं, जिन्होंने नहीं किया वो मुझे बताएं, जिनको इशू आ रहा है जिनसे नहीं हो रहा वो भी मुझे बताएं। सर कर लिया है, परफेक्ट है। मारिया इकबाल, मारिया बकर आपने सबसे पहले किया, ठीक है सर। पीएचपी की फाइल रन नहीं हो रही, ब्राउजर पे सेम टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है। अच्छा आफिस नुमान साहब, ये ना इशू आता है, ठीक है, ब्राउजर पे क्यों सेम टेक्स्ट प्रिंट होता है, मैं आपको ही शो करवाता हूँ। आपके पास मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास फाइल है, मैं ये ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन किया, ठीक है, यहां से मैं अगर पीएचपी, ये मेरे पास सेम रिजल्ट कोड आ रहा है,
ठीक है, आपके पास भी ये सेम आ रहा है, आप सब काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे, आपके पास भी इसी तरह कोड आ रहा है जैसा मेरे पास कोड आ रहा है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। हाफिज मोहम्मद नुमान, आप ऐसे कंफर्म करते हैं मैं भी आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। मारिया अबकर, आपको क्लाइंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, कोई आप वेटिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही, क्या स्टेटस है? बुरहान यूसुफ अब्दुल रहमान, क्या स्टेटस है, कोई क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, कोई बिडिंग कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? ओके जी हाफिज साहब, इसमें इशू ये आ रहा है, देखें यहां पर आपने ना पहले तो जब पीएचपी का कोड रन करना है ना, पहले आपका जैम रन होना चाहिए, सबसे पहले जब भी आपने पीएचपी का कोड रन करना है सबसे पहले आपका जैम रन होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये देखें जैम, अगर आप बोटो में देखेंगे यहाँ जैम कंट्रोल पैनल आ रहा है, ठीक है, बॉटम में फूटर के अंदर राइट साइड के ऊपर देखें, मैं यहाँ पर जो जैसे ही जाता हूँ टूल टिप आ रही है जैम कंट्रोलर की, ठीक है, ये एक देखें, ये मैंने देखें ये रन किया हुआ है, अपाची को भी और MySQL को दोनों को मैंने रन किया हुआ है, ठीक है। उसको रन करने के बाद यहाँ पर हम ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट दिखेंगे, लोकल होस्ट जो कोड मैंने आपको दिया है ना, आपने क्या करना है जहां पर जैम आपका इंस्टॉल हुआ है ना वहां जाना है, जिस डायरेक्टरी में हुआ है, जैसे मेरे पास सी में हुआ है, सी में जैम पे जाएंगे, यहाँ पर एच डी डॉक में जाएंगे, आप एच डी डॉक में जाएंगे, यहाँ एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, फोल्डर आप क्या बनाएंगे, क्लास, क्लास कोड कर ले, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास कोड, क्लास कोड का फोल्डर बनाया जो मेरे पास, मैंने फाइल आपके साथ शेयर किया ना पीएचपी एरे वाली, मैं ये कॉपी करता हूँ क्लास कोड में जाके पेस्ट कर देता हूँ, क्लास कोड में जाके पेस्ट किया मैंने। अब मैं जब यहाँ ब्राउजर के ऊपर आऊंगा लोकल होस्ट स्लैश लिखूंगा क्लास कोड, जो मैंने एच डी डॉक के अंदर जैम में जाके एच डी डॉक में गया, एच डी डॉक के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया क्लास कोड का उसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ जो मैंने फाइल पेस्ट की होगी पीएचपी अरे की वो मुझे शो हो रही होगी, यहाँ मुझे जो फाइल मैंने बनाई है पीएचपी अंडरस्कोर अरे की वो मुझे शो हो रही है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मुझे अब रन हो रही होगी, अब ये इतनी रन हो रही है, बाकी अगर मैंने रन कर दी यहाँ पर मैंने एग्जिट लगाया हुआ है डिफरेंट जगह के ऊपर, देखिए डिफरेंट जगह पे एग्जिट लगे हुए हैं, आप इनको रिमूव करते जाए कोड आपका रन होता जाएगा, आपका इश्यू फिक्स हो जाएगा। हाफिज साहब आप ये करके मुझे बताएं, तो फिर अगर स्टिल एरर आ रहा है तो मुझे बताएं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ये मैं लाइव लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ लाइव आ जाए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ठीक है हाफिज साहब, ये लिंक मैंने शेयर की, आप मेरे साथ लाइव आ जाए, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह ये चीज आपकी रन होगी, किस तरह आपका जो इश्यू है ये फिक्स हो जाएगा। एनी वन ऑफ यू, किसी और को ये मसला आ रहा हो, किसी और को इशू आ रहा हो, काइंडली मुझे बताएं। अली तारिक अवेलेबल है, अली रजा, अली तारिक दोनों, आपने की आप में से किसी ने प्रोजेक्ट विन किया हो, एनी वन ऑफ यू, जी किसी का क्वेश्चन, हाफिज साहब आप कंफर्म करें जैसे ही आपका इश्यू सॉल्व हो जाता है। हाफिज साहब आप मुझे बताएं, आप अपने स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपका इश्यू सॉल्व हो गया तो मुझे काइंडली कंफर्म कर दें।
परफेक्ट हाफिज साहब, जबरदस्त। आप सब आप बीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्लाइंट के साथ कोई कम्युनिकेशन आपकी हो रही है कि नहीं, मुझे कंफर्म कीजिएगा जरा। मैं फाइबर ओपन करता हूं, अगर कोई बाय रिक्वेस्ट है तो आपके लिए एक मैं बाय रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा। जी आप सब आप बिडिंग कर रहे हैं कि नहीं? मारी इकबाल आप बताएं, बिडिंग कर रही हैं? क्या रिस्पांस आ रहा है क्लाइंट की तरफ से? रिस्पांस आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या स्टेटस है? 16 मेरे पास एक्टिव है। आई गॉट अ प्रॉब्लम, आई इंस्टॉल गूगल, ठीक है, एनालिटिक्स, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। जी इसको हम टारगेट करते हैं। गूगल एनालिटिक्स इन वर्डप्रेस दिस इशू हैपेंड इफ वी डोंट पुट द राइट कोड, पुट द राइट कोड इन राइट पोजिशन इन राइट वे। ओके, ये चीज होगी पहली, सो यू डोंट नीड टू वरी। वरी कैन यू सेंड मी योर वेबसाइट लिंक? I am WordPress team expert having 5 years of experience and available to start the job, and I will take max 20 minutes, max 30 minutes to fix the job. Let me start the job right now. Feel free to contact to me. Regards, ये मैंने प्रपोजल लिख दिया, उसने $20 का, मैं इसको 25 कहता हूँ, ठीक है। डे वन है, कोई रिव्यू नहीं मैं दे रहा इसको। ये मैंने शॉर्ट प्रपोजल लिखा है, उसने जो मुझे, मैंने पहली लाइन पढ़ी है, ठीक है। पहली लाइन पढ़ने के बाद आई इंस्टॉल द गूगल एनालिटिक्स पिक्सल ऑन माय वर्डप्रेस वेबसाइट एंड समवेयर द पिक्सल गेट किक्ड आउट, आई यूज द डीबी थीम एंड सम प्लगइन्स, आई रियली डोंट नो व्हाट दिस हैपन, आई नीड एन एक्सपर्ट दैट लुक्स, ठीक है, ओके जी, उसको मैंने सेंड कर दिया। ये सिंपल था, मैंने विद इन 2 मिनट्स के अंदर एक प्रपोजल सेंड कर दिया। आपको भी मैं तब से कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ लाइव आए, मैं आपका देखता हूँ किस तरह आप प्रपोजल सेंड करते हैं। काइंडली आप इसको थोड़ा, आप एक्टिव हो, आप थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें, आप मेरे साथ लाइव आए, मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आपने प्रपोजल सेंड करना है। यूजिंग दिस वे आपको प्रपोजल, इनके रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। एक दफा जब रिस्पॉन्स आना शुरू होते हैं तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्लाइंट आपके साथ बिडिंग, क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट आपको प्रायोरिटी देगा। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली मुझे बताएं, कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे आप गाइड करें, मैं मुझे बताएं, मैं आपको गाइड करता हूं।
कि काफी ज्यादा इस टाइम पे रेलिवेंट बिडिंग आ रही है। अगर आप चेक करते हैं आपके पास भी आ रही होंगी, तो आप आई प्रेफर के बिड लाजमी करें, इस टाइम पे बिडिंग करें, कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। आप साहब काइंडली इसको हैबिट बनाएं, डेली कम से कम 10 बिट्स लाजमी करें। डेली 10 बिट्स होंगी तो कोई चीजें चेंज होंगी, ज्यादा बेहतर होंगी परफॉर्मेंस। कल का जो दिन है इंशाल्लाह, कल हम क्लास पढ़ेंगे, पीएचपी की क्लासेस पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कल हम पीएचपी की क्लासेस पढ़ेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह शाम को फिर हम बिडिंग करेंगे। मैं फिर इंशाल्लाह कल रात को मैं लाइव आया हुआ था, ठीक है, मैंने कितना तकरीबन 30 से 40 मिनट आऊंगा, लाइव आऊंगा, ठीक है। आप भी लाइव आ सकते हैं, आप भी आएंगे, आप बिडिंग करेंगे, मैं आपकी बिडिंग को करेक्ट करूंगा। ये मेरा टास्क है, ये मेरा एम है कि इंशाल्लाह बफजल खुदा विद इन दिस वीक हमने प्रोजेक्ट विन करना है, हमने प्रोजेक्ट विन करके आगे उसको एग्जीक्यूट करना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट करें। मैं अभी यहाँ पर स्ट्रीम जो है वो ऑफ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।